जी तानुज बिरवानी मेरा नाम। प्रोजेक्ट का नाम है नाश यानी कि डिस्ट्रक्शन। ये एक चार एपिसोड वाली वेब सीरीज है, फाइनाइट सीरीज है। मैंने इसे डायरेक्ट किया है, मैंने इसे लिखा है और मैंने इसमें एक्टिंग नहीं करी है। और मैं चाहता हूँ कि लोग इसे पसंद करें। थोड़ा हटके सा कॉन्सेप्ट है और एक पैशन प्रोजेक्ट कह सकते हैं। तो मेरे एक्टिंग जॉब्स के बीच में मुझे एक 3 महीने का विंडो मिला था, तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट लेट्स ट्राई समथिंग डिफरेंट, तो मैंने ये डायरेक्ट किया। ये एक्चुअली काफ़ी मुश्किल प्रोजेक्ट था मेरे लिए पर्सनली, क्योंकि ये हमने मेरे लोनावला के घर में शूट किया और शूट स्टार्ट होने से पहले घर में एक फायर हुआ था, एक बहुत गंदा सा फायर हुआ था शॉर्ट सर्किट की वजह से। तो पूरी टीम को वापस आनी पड़ी मुंबई और 1 महीने के बाद हम फिर निकले शूट करने के लिए। लकली सब थे, सब एक्टर्स ने साथ दिया, सब टेक्नीशियंस ने भी साथ दिया, तो हम वापस गए और शूट किए। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस था, पर थोड़ा मुश्किल भी था इस बार। बट आई थिंक कभी कभी जब आप एक मुश्किल दौर से गुजरते हो तो काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है एंड क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो आई थिंक इट्स बिन अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस दैट वे। तो बेसिकली ये एक राइटर की कहानी है और मैं ज़्यादा तो नहीं कहना चाहूँगा बिकॉज फिर वो मैं सबके लिए स्टोरी बिगड़ना नहीं चाहता हूँ। बट बेसिकली हम बस ये बताना चाहते थे कि जब एक राइटर 3, 4, 5 किताब लिखने के बाद वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल सा हो जाता है, बिकॉज मैं एक एक्टर हूँ या कोई और कोई क्रिएटिव पर्सन जो भी हो, वो अपना जो अंदर का एक पर्सनैलिटी है वो कहीं ना कहीं निखर के अपने कैरेक्टर्स में, आपके काम में, आपके राइटिंग में तो निखर के बाहर आ ही जाता है। तो आई थिंक दैट्स व्हाट वी वांटेड टू शो। और फिल्म का नाम नाश इसलिए है क्योंकि इसमें ऐसा दिखाया गया है कि जब आप किसी की बुराई करोगे तो आपकी भी बुराई होगी, जब आप किसी की भलाई चाहोगे आपकी भलाई होगी। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, सिंपल सा लॉजिक है। तो इसलिए इस वेब सीरीज़ का नाम लिखा गया है नाश। वो मेन रीज़न तो मैं बता नहीं सकता हूँ, बट चौथे एपिसोड ज़रूर देख लिए जो सीज़न फिनाले है, उसमें से आपको सब पता चल जाएगा। इसके लिए हम लोग ने करीबन 10-12 दिन प्री प्रोडक्शन में वर्कशॉप्स किए थे एक्टर्स के साथ, ताकि वो भी समझ पाए कि उनसे क्या एक्सपेक्टेशंस थे, कि मैं क्या चाहता था। क्योंकि क्या है कि अगर मैं सिर्फ कहूँगा एक्टर से देखो आप राइटर हो, तो दे आर मेनी वेज कि आप उसे इंटरप्रेट करोगे। बट स्पेसिफिकली वो जो जिस मुद्दे पे मैं आना चाह रहा था, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगा। बट आई थिंक रिहर्सल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पहले तो एक एक्टर हूँ, तो मैं खुद चाहता हूँ कि अगर मैं एक फिल्म सेट या एक वेब सीरीज सेट पे जाने से पहले कि हम ठीक तरीके से रिहर्स करें, उसके बाद एक कॉन्फिडेंस आए कि ये कैरेक्टर कौन है, कैरेक्टर को समझ ले, उसके बाद हम एक्टिंग करें। तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, प्री प्रोडक्शन एंड रिहर्सल्स बहुत ही मायने रखते हैं। किस तरह की वेब सीरीज है और क्या स्टोरी है इनकी? ये एक फैमिली ड्रामा है कि एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जब उनका लड़का, उनका बच्चा गुजर जाता है एक एक्सीडेंट में, तो उन पे क्या बीतती है। और मेरे ख्याल में ऐसे मौके पे या तो आप एकजुट हो जाते हैं या तो आप बिल्कुल अपने आप को इमोशनली बंद कर देते हैं। तो बस उसके दौरान क्या होता है, यही है कहानी आगे। जो कि एक सिंगर है, उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े गाने गाए हैं, तो वो अपने एक्टिंग, अब ये उनकी एक्टिंग डेब्यू है। साथ में हमारे साथ है दीप धुलकिया, जिन्होंने थिएटर और गुजराती फिल्मों में काफ़ी काम किया है, और एक है मॉडल जो सिंगापुर की है, तान्या जेकब। तो ये 3 मेन किरदार है, मेन कैरेक्टर्स है, और मेरा एक छोटा सा स्पेशल अपीयरेंस है, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। कैरेक्टर्स के या एक्चुअली मैं सबको पहले से जानता हूँ, तो यानी कि एक अच्छा सा संबंध है सबके साथ। यानी कि अगर मैं कुछ कहूँगा तो वो समझ जाते हैं, यू नो, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप पहले एक एक्टर हो फिर आप डायरेक्शन में घुस जाते हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन्हें ऐसे इंस्ट्रक्शंस दो कि उनको फ्रीडम रहे कि उनको सीन किस तरीके से निभाना है। बिकॉज अगर मैं करूँगा कि अगर मैं होता तो मैं ये सीन ऐसे करता, तो फिर वो गलत होगा। बिकॉज हम सबके अंदर एक अलग सा एक पल्स रहता है जो निखर के बाहर आती है। तो आई नेवर टेल देम कि डू द सीन लाइक दैट, कि ऐसे मत करो ऐसे करो।